देश मालवा राजपुताना, देश मालवा राजपुताना, एक रमणिक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गद्रब सेन हुआ। किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गद्रब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणिक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रब सेन हुआ। इंद्र का बेटा राजा गजरब सेन हुआ। राजेंद्र की सभा लगी हुई है। उर्वशी हुरमेन का वेपरी नाच गाना कर रही है। अपने बाप की सभा के अंदर लड़का गद्रब सेन आ जाता है और देवी देवता ने बोले इंद्र ते भाई इंद्र महाराज तेरे लड़के को इतना ज्ञान नहीं है। जिस महफिल में बाप बैठे हो बेटे को जाना ना चाहिए। और यो तेरी सभा में आ गया, यो तेरे रंग में भंग पड़ गया। लोगो इंद्र ने अपने लड़के को श्राप दे दिया कि तू स्वर्ग लोक में रहने के काबिल नहीं है, जा मृत्यु लोक में जा। और मृत्यु लोक में आया देश मालवा राजपुताना रमणिक शहर उज्जैन के में। वहां के एक लड़की जिसका नाम था पानमदे, पानमदे ते ब्याह कर लिया और लोगों बहुत बढ़िया राज चलाया मृत्यु लोक में गद्रब सेन ने। कैसा राज सा, कौन पैदा हुआ, सुनिए क्या बताया। बड़ा बेटा भरतरी होया दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी रूप ने देख चांदे डरता। अरे मैनावंती कन्या जन्मी अरे रूप ने देख चांदे डरता। पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते, जैसे चकुआ पेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रब सेन हुआ। मैनावंती। समय बीतता लड़की जवान होने लगी तो राजा गद्रब सेन ने मैनावंती का ब्याह किससे कराया और मैनावंती के कौन कौन पैदा हुए ये सुनने की बात है। पदम सेन की कल्या करी सगाई थी। नगर के पदम सेन की कल्या करी सगाई थी। और वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाटते प्याही थी। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद्रावल कन्या।
कन्या जाई थी। अरे उसको जब क्या गोपी जब जब रावण कन्या जाई थी। और इतना अरसा बीत भूप के इतना अरसा भूप बीत के कि मैं बीमारी पत खेल हुआ। अरे श्राप से इधर का बेटा राजा बद्रम से हुआ। श्राप से इधर का बेटा राजा बद्रम से हुआ। एक लड़का था गोपीचंद, एक लड़की थी मैनावंती। तो गांव के गोरे यानी कि गांव के बाहर दो तालाब बनवाए नहाने के लिए। एक तालाब का नाम रखा गोपीचंद, दूसरे का नाम धरया मैनावंती। आज भी जाओगे उज्जैन में आपको ये दो तालाब मिलेंगे। लोगों ये व्यवस्था बनाई वरुण देव के आशीर्वाद से। एक जनाना तालाब, एक मर्दाना के जनाने में लेडीज यानी के जनानी नहावेगी और मर्दाने में मर्द नहावेंगे। लेकिन एक काम बन गया, के बन गया गांव के गोरे बने सरोवर वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब उपने बनवाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब उपने बनवाया। राजा रानी बिन हया करते ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने में एक दिन भाई मर्दाने में रानी नहाली जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नहाली जनाने में राजा नहाया। राजा रानी दोनों गलती कर जाते हैं, मर्दाने में रानी नहाली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता ने श्राप दे दिया। और श्राप भी कैसा भाई, राजा की तो रानी बनगी, राजा की तो रानी बनगी, रानी का गुड मैन हुआ। अरे किसी श्राप से इधर का बेटा राजा बद्रम से हुआ। किसी श्राप से इधर का बेटा राजा बद्रम से हुआ। यानी कि रानी के मूछ लिकड़ाई और रानी की मूछ सपाचट वो तो जनाना सा बन गया। दोनों की शक्ल चेंज हो जाती है आपस में। अब 9 महीने तक ये श्राप लगा रहा, सारी दुनिया हंसी उड़ावे। नारद मुनि आए, पूछा देवऋषि श्राप क्यों कर कटेगा। बोला क्यों कर ला गया था, बोला उलट सलट करके नहा लिए थे। बोला नहाए थे श्राप कटेगा, चलो नहा के ले आऊंगा। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा, जब राजा ने ध्यान हुआ अपने मन में सोचने लग गया क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लग गया क्यों करड़ा भगवान हुआ। भाई राजा रानी चाल पड़े दोबारा स्नान हुआ। सारी दुनिया हंसी उड़ावे न्यू राजा परेशान हुआ। सारी दुनिया हंसी उड़ावे न्यू राजा परेशान हुआ। और इतना दुख दे दिया हरने, इतना दुख दे दिया हरने राजा बसहन हुआ। अरे किसी श्राप से इधर का बेटा राजा बद्रम से हुआ। किसी श्राप से इधर का बेटा राजा बद्रम से हुआ।
समझ में तो आ रही है। आखिरी कली सुनो, इसी बीच रानी पानमदे गर्भवती भी हो जाती है और 9 महीने के बाद एक लड़के ने जन्म लिया, उसका नाम धर दिया विक्रम विक्रमाजीत। मेहरबानो सारी दुनिया हंसी उड़ावे जब सकल चेंज हो गई थी, न तो राजा पे सहन नहीं हुई। एक दिन राजा का हार्ट अटैक आ गया, राजा गया मर। अब रानी पानमदे को सती होना था, राजा की साक्षिता में बैठ के अपने बेटे भर्तरी को बुलाया और विक्रम का हाथ भर्तरी के हाथ में धरकर बोली, भाई रे यो तेरा छोटा भाई है, तेरा बाप तो गया मर, मैं भी मर जाऊंगी, तने इस छोटे टाबर का इस बालक का ध्यान रखना पड़ेगा। मने कसम दे वचन दे अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। भर्तरी ने बोलिया, माँ मैं मरने मर जाऊंगा पर इसकी आंख में आंसू आ गए तो वचन हार हो जाऊंगा। माँ मैं वचन देता हूँ मेरे भाई की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, अपने भाई विक्रम की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। ये कहानी बनी। राजपाट में कथा सुनाई, राजपाट में कथा सुना। 6 महीने का विक्रम था, 6 महीने का विक्रम था, माँ का सुरगवा सुया, पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े तयो सत्यानाश हुया। पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े तयो सत्यानाश हुया। पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े तयो सत्यानाश हुया। मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि